सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे युवा साथियों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं उज्जैन में आपके बीच में हूँ और भालेराव साहब की वजह से ही ये योग बन पाया। पर हमारे कोविड की वजह से ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड जा रहा है आपके पास, नहीं तो मैं डायरेक्ट आता आपके बीच में। उज्जैन मेरी कर्मभूमि रही है, इंदौर मेरी मेनली कर्मभूमि रही है, पर इंदौर उज्जैन दोनों में मैंने बहुत काम किया है, करीब 12-14 साल। चलिए आपको आज का विषय बताता हूँ, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक आह्वान कर सकते हैं उनका कि वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, विश्व के लिए, विश्व मानवता के लिए, इस इकोलॉजी के लिए जिसके लिए जिसमें हम रह रहे हैं। युवा उसे कहते हैं जो सही अर्थों में अंदर से बाहर तक शक्ति से उत्प्रोत हो। संवेदना और साहस की सघनता युवाओं शक्ति में बहुत ज़्यादा होती है। कई लोग अपने आप को युवा कहते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि हम हमारी एज के हिसाब से युवा हैं, पर वो युवा होते हुए भी युवा नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं दिखाई पड़ती, वो चेहरे पर वो आभा नहीं दिखाई पड़ती, वो ऑरा नहीं दिखाई पड़ता उनका। तो उसका कारण केवल एक ही है कि ये अंदर से बाहर तक होती है जो शक्ति होती है। भाव छलकते हैं और साहस मचलता हो, अंदर से बाहर तक साहस दिखाई पड़े। जब युवा बोलता है तो युवा का पूरा का पूरा शरीर बोलता है, मन बोलता है, तन मन पूरा के पूरा अंतःकरण सब बोलता है। जैसे विवेकानंद के आपने लेक्चर सुने हो तो आपने शायद, वो वास्तव में सही है कि नहीं क्योंकि मुझे मालूम नहीं उस समय तक रिकॉर्डिंग डिवाइसेस थी कि नहीं, पर जो वास्तव में अगर देखा जाए तो विवेकानंद जब बोलते थे तो पूरा का पूरा अपने शक्ति लगा के बोलते थे, पूरी शक्ति लगा के। मुझे एक इंसिडेंट याद है न्यूयॉर्क का, जब उन्होंने अपनी बात कहना चालू की और जब बात कहना चालू की तो उस समय तक वो बिल्कुल शरीर उनका लस्त पस्त था, थके हुए थे क्योंकि 38-39 साल की उम्र पहुँचने वाली थी। अब वो युवा बीमार नहीं होता कभी, युवा बीमार होते हुए भी शक्ति से ओतप्रोत होता है। तो उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, अपने गुरुदेव को याद किया, जैसे गुरु सत्ता को याद करके अपने ठाकुर को याद किया, रामकृष्ण परमहंस को, तुरंत उनके अंदर न जाने कहाँ से कोई शक्ति आ गई। 1.5 घंटे तक बोलते रहे वो कंटिन्यूस, और 1.5 घंटे तक बोलते बोलते उनके अंदर जरा सी भी थकान नहीं आई। आसपास जितने लोग खड़े थे उनको संभालने के लिए उनको हटा दिया उन्होंने, और उसके बाद वो बोलते बोलते जब थक गए, थके भी नहीं ये कहना चाहिए कि बोलते बोलते जब उन्होंने अपना समाप्त कर दिया तब बस वो उतरे और सीधे तेज़ी से चलते हुए बाहर निकल गए हॉल से। ये न्यूयॉर्क की घटना उनकी सेकंड जो यात्रा थी विदेश की उसमें हुआ। ये असली युवा ये है, मैं एज की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, एज उनकी हो सकता है कि उस समय युवा वाली हो, पर एज नहीं हो, बल्कि वो उनका शरीर जो है पूरी तरह थक चुका था। थके तन से और हारे मन से कोई युवा नहीं होता, युवा वो होता है जो अंदर से बाहर तक शक्ति से ओतप्रोत होता है और कभी भी निराश नहीं होता, कभी भी उदास नहीं होता। जो आज हम दिखाई पड़ते हैं युवा, 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में ऐसा लगता है कि उनके शरीर में से जीवनी शक्ति खत्म हो गई। क्या वो ऊर्जा नहीं है, वो ओजस नहीं है, वो तेजस नहीं है, वो वर्चस नहीं है जो कभी होता था नचिकेता के अंदर, कभी होता था विवेकानंद के अंदर, कभी होता था और भी महापुरुष जिनके भी नाम गिनाऊंगा उनका। यौवन तो वही है जहाँ शक्ति का तूफान अपनी प्रचंडता से सक्रिय है, यौवन उसको कहते हैं। यौवन का मतलब ये नहीं कि सब हम जो हैं आप जो कहें सांकल से बंध कर, लोहे की सांकल से बंध कर हम तोड़ के दिखा सकते हैं, वो यौवन नहीं है। यौवन वो है जिसमें आप किसी की रक्षा कर सकते हैं क्या, यौवन वो है जिसमें आप किसी के अंदर साहस फूंक सकते हैं क्या,
यौवन वो है जिसके माध्यम से आपको ये लगे कि आपके अंदर वो उमंग है, वो प्रचंड उत्साह है जो इस युवावस्था में होना चाहिए। विपरीतताएं हमें प्रेरित करती हैं, विषमताओं से हमें उत्साह मिलता है। यहाँ भाव छलकते हैं और साहस मचलता हो। जो अपने महावेग से समस्याओं से के गिरी शिखर को ढहा दे वो युवा है। इसलिए युवा की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या है जो युवा न कर सके? युवा सब कुछ कर सकता है। देह का महाबल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, आत्मा का परम तेज। तीन बातें बताई आपको। देह का महाबल, देह स्वस्थ हो और बल हो, उसमें शक्ति हो। बीमारी है तो बात अलग है, परंतु फिर भी अपने अंदर शक्ति इकट्ठी करना जरूरी है। प्रतिभा की पराकाष्ठा, प्रतिभा इतनी होना चाहिए कि प्रतिभा के माध्यम से आदमी जो चाहे वो करके दिखा दे। प्रतिभा रामानुज जैसी, प्रतिभा शंकराचार्य जैसी, प्रतिभा हमारे स्वामी विवेकानंद जैसी। आत्मा का परम तेज बोलता हो जिसका, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जिसके अंदर हों वो सबसे बड़ी चीज़ है। बलिदान का साहस, अपने आप को बलिदान करने का साहस, जैसे हमारे सभी शहीदों में था, जैसे हमारे वीर भगत सिंह में था और वीर भगत सिंह के दोनों साथियों में था और अन्य जितने भी थे जिन्होंने कि अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया। असंभव को संभव करने का, जिनके अंदर साहस हो, कौशल हो और जिनके अंदर वो प्रतिभा हो जिससे कि वो असंभव को संभव करके दिखा दें। सचमुच ही सही के सही अर्थ में कहा जाए, यौवन भगवती महाशक्ति का वरदान है, भगवती महाशक्ति का वरदान है। आपने सुना होगा कि हम लोग अक्सर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम ध्यान साधना करते हैं। हमने इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, पाठ किया उससे मतलब नहीं, पाठ करने के बाद आपके अंदर वो दुर्गा सप्तशती प्रविष्ट हुई कि नहीं, भगवती महाशक्ति का वरदान है तो इसलिए आपके अंदर वो शक्ति आनी चाहिए। सार्थक यौवन के लिए चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। अगर आप सार्थक यौवन अपने जीवन में चाहते हैं तो आपके लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। यौवन शारीरिक मानसिक परिवर्तन की अवधि है। यौवन जैसे ही आता है, 17-18 साल की उम्र जैसे आते ही वैसे ही हमारे शरीर में शारीरिक चेंजेस होते हैं, मानसिक चेंजेस होते हैं और हमारी ग्रंथियाँ बनने लगती हैं, हार्मोन्स निकलने लगते हैं और हार्मोन्स के स्रवित होते ही हमारे शरीर की बनावट बदल जाती है। आपने देखा होगा आपका बेटा जो आपके साथ रहता था, आपके साथ बोलता था, उसकी मसें भीग जाती हैं और देखते देखते उसकी आवाज़ बदल जाती है और वह भी बड़े बड़े काम करने की बात करने लगता है। भावनात्मक और वैचारिक संक्रमण का काल है ये युवावस्था, इसलिए अंतर्विरोधी एवं विद्रोह का तूफान रहता है उस समय। न जाने कितने तरह के कई असंभव काम करने की हिम्मत होती है तो आप बोलते हैं, आप कहते हैं कि हम करेंगे। शारीरिक सुखों की लालसा, महत्वाकांक्षाओं के आवेग यौवन की दिशा बदलते हैं। महत्वाकांक्षाओं के जब आवेग आते हैं तो यौवन की दिशा बदलती है। कई लोग मैं उस पीरियड में बहुत बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं, कई लोग सोचते हैं पर नहीं दिखा पाते और चले जाते हैं, एक प्रवाह में बह जाते हैं, एक नदी की बाढ़ आती है उसमें निकल जाते हैं। नशा, उग्रवाद, आतंक, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है कि युवा जो है हमारा वो दिशाहीन है और वो उग्रवाद का शिकार है या नशे का शिकार है या विद्रोह का शिकार है या फिर वो आतंक के चपेटे में आ गया है और उसकी वजह से आप देखें कि बहुत सारे युवा शक्ति हमारी जो है उसी की वजह से समाप्त हो जाती है। युवा बुरा नहीं है, बस भटका हुआ है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य बुरा नहीं है, भटका हुआ देवता है। अगर हम अपने आप को पहचान लें कि हमारे अंदर देव शक्ति है तो देव शक्ति को हमें जगाना पड़ेगा, देवत्व अपने अंदर जगाना पड़ेगा। उसमें लोकमान्य बनने की, सुभाष बनने की क्षमता है। इसके लिए चाहिए एक आध्यात्मिक दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि आएगी तो आप देखेंगे कि जीवन जो है उसको उसकी सही और संपूर्ण समझ विकसित हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि आती है। आध्यात्मिक दृष्टि मेरा मतलब कहीं नहीं है
कि आप सब के सब अपने गेरुआ कपड़ा पहनो, पीले कपड़े पहनो, हम जैसे हमने पहने बैठे हैं, और अपने आप को आश्रमों में डाल दो। ऐसा नहीं, आप घरों में रहकर, कॉलेज से में जुड़े कर, हॉस्टल में रहकर, आप जहाँ भी हैं वहाँ आप अपने काम कर सकते हैं, सारे के सारे जितने आपके पास हैं। उसका स्वरूप क्या हो, स्वरूप ये हो कि आपको आध्यात्मिकता अपने चिंतन में लानी पड़ेगी, जीवन की सही और संपूर्ण समझ लानी पड़ेगी। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपके जीवन में आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, आत्मविकास, इसकी समझ आ गई कि नहीं, आपको कैसे करना चाहिए, कैसे समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए। जीवन की सही दृष्टि और संपूर्ण समझ चाहिए। जीवन की विषमताओं को जानना चाहिए और उपयोग का कौशल आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो बहुत बहुत अच्छे ढंग से आप बदलते चले जाएंगे। सकारात्मकता आए, नकारात्मकता जाए, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। मैं अपने आगे बच्चों को सिखाता हूँ कि भाई तुम एक ही काम करो कि नेगेटिविटी को आने मत दो अंदर, अपने अंदर क्या करो, सकारात्मकता को आने दो, पॉजिटिविटी आएगी तो क्या होगा कि आप कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। सकारात्मक विचार हमेशा अपने मन में छाए रहें, इसके लिए स्वाध्यायशीलता तो चाहिए, अच्छे विचारों का बाहुल्य तो चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में अंदर से बाहर तक उमंग ही उमंग होनी चाहिए, उल्लास ही उल्लास होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह से नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। नेगेटिविटी आती है तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई कोना ऐसा है जो अंधेरे से भरा हुआ है। हमारे युवा सन्यासी का संदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उन्होंने एक ऋचा पकड़ी हमारे उपनिषदों में से, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और रुको मत जब तक लक्ष्य तक न पहुँचो। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है हमारा महापुरुषों का सानिध्य, श्रेष्ठ विचारों का सानिध्य, और इसके साथ साथ हम अच्छे विचारों के साथ जुड़कर वरान श्रेष्ठ बने, निबोधत जो आपको इसकी जानकारी कराते। और गीता का संदेश, गीता कहती क्लैवियम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्व उपद्यते। तू अपने अंदर किसी भी हालत में क्लीवता को मत आने दे। क्लैवियम मास्म गमः पार्थ, मायने नहीं, इसमें गमः पार्थ, हे अर्जुन तू अपने अंदर नेगेटिविटी को मत आने दे, नकारात्मकता को मत आने, नपुंसकता को मत आने दे। क्लैवियम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्व उपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। शुद्रता को छोड़, हृदय की दुर्बलता को छोड़, और उत्तिष्ठ परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन तो खड़ा हो जा। ये अर्जुन को सेकंड चैप्टर में पहले 3-4 श्लोकों में भगवान ने जो बातें कही हैं हर युवा के लिए कही हैं। अर्जुन एक युवा है जो युद्ध में आया है, युद्ध में आके देखता है कि सारे के सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हैं सामने, और इन सारे रिश्तेदारों की वजह से मैं बदनाम हो जाऊंगा और मेरा कर्मफल, मेरे सब गड़बड़ा जाएंगे, और मेरा भविष्य क्या होगा जब ये सारे के सारे जो मेरे रिश्तेदार हैं ये सारे के सारे मारे जाएंगे मेरी वजह से, या हम सब मारे जाएंगे। बस वो नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। तो पहला चैप्टर जो है हमारा गीता का वो है अर्जुन विषाद योग, डिप्रेशन में चला जाता है अर्जुन। दूसरे चैप्टर में जहाँ भगवान चालू करते हैं अपनी बात, वहाँ ये चालू करते हैं कि तुम अपने चिंतन को ठीक करो, सही करो, और परमात्मा को अपने अंदर आने का मौका दो। परमात्मा अंदर आना चाहता है परंतु आप उसको आने नहीं देते। उसके बाद फिर वो तुरंत बाद जो है वो पूरी की पूरी जो फिलॉसफी समझाते हैं कि आत्मा जो है वो अबद्ध है, अशोष्य है, कभी भी उसका संहार नहीं हो सकता, तो क्यों समझता है कि तू किसी को मार रहा है? तू नहीं मार रहा है, तू तो निमित्त बन रहा है, निमित्त मात्रम भविष्य विसाचिन, हे अर्जुन तो निमित्त बन जाए बस। केवल ये जो भगवान कृष्ण की गीता है, भगवान कृष्ण ने जो गीता के माध्यम से संदेश दिया, ये हर युवा के लिए है। हर युवा को अपने चिंतन में डालना पड़ेगा कि अगर हमारी इस राष्ट्र के निर्माण में
समाज के नवनिर्माण में हमारी कोई भूमिका है तो केवल एक ही माध्यम से हो सकती है कि हम अपने जीवन में कभी भी नकारात्मकता को ना आने दें, कभी निषेधात्मकता को ना आने दें। बस वो अगर नहीं आई तो फिर हम ठीक रहेंगे। इतिहास साक्षी है युवाओं के आदर्श का। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा आपके सामने। इतिहास साक्षी है युवा शौर्य का। देखिए, आप अगर याद करें तो जन क्रांति का नेतृत्व करने वाले वामदेव और सामश्रवा युवाई थे। इन्हीं के माध्यम से महापराक्रमी अजय समझे जाने वाले अनाचारी सम्राट का अंत युवा परशुराम ने किया। इन्हीं विचारों के माध्यम से, कहते हैं, उन धरती से अनाचार को मिटाने के लिए 21 बार क्षत्रिय रहित किया था। दस्युओं से आक्रांत आर्य संस्कृति की रक्षा करने वाले महर्षि अगस्त भी युवाई थे। उन्होंने अपने शौर्य से विंध्यगिरी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। गायत्री के मंत्र सामर्थ्य, विचार सामर्थ्य को जन चेतना में अवतरित करने के लिए युवा विश्वरथ ने महातप किया था। उनकी लोक कल्याणकारी भावना के कारण ही लोक ने उन्हें विश्वामित्र के रूप में वंदित किया। वर्षों के सूखे से विदीर्ण धरती को भगीरथ ने गंगा अवतरण के माध्यम से सींचा और फिर से इस धरती पर हरियाली आई। आप ये मान के चलिए कि भगीरथ ने एक इतनी बड़ी क्रांति की कि जिसकी वजह से भारत भारतवर्ष बना। गंगा अगर नहीं आती धरती पर तो शायद ये जो हमारा गंगा वाला बेल्ट है, इसकी वजह से पूरे के पूरे हमारे देश का जो वायुमंडल है वो पूरा का पूरा बहुत सुंदर रहता है। हमारे यहाँ बादल आते हैं, हिमालय टकराते हैं, बरसते हैं। ये जो वर्षों के सूखे से विदीर्ण धरती को हरा भरा कर दिया। रावण के महा आतंक की व्यूह रचना को नष्ट करने के लिए उन श्री राम ने, जिनकी हमने अभी भूमि का पूजन किया, जन्मभूमि का पूजन किया है, श्री राम ने अपने अभियान का प्रारंभ युवावस्था में कर दिया था। महर्षि विश्वामित्र अगस्त के मार्गदर्शन में पहले विश्वामित्र ने अपने इस शिष्य को पाला, भगवान श्री राम को, और उसके बाद उनको पाला पोसा, बड़ा किया, सिखाया, बला अति बला सिखाई। और उसके बाद अगस्त के मार्गदर्शन में उन्होंने उस समय की विश्व की एकमात्र महाशक्ति, रावण वास्तव में महाशक्ति था, बहुत ही महाबली था, उसको मारने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, पराजित पराभूत किया था। उन्होंने उनसे पहले इस महाअभियान को जन अभियान को रूप दे दिया, जिसमें कोल, किरात, शबर, निषाद जैसे जनजातियाँ और अनगिनत युवा की युवतियाँ कूद पड़े। ये बहुत बड़ा उदाहरण है राम के जीवन के साथ विभिन्न जातियों के साथ समन्वय। पहले अत्याचारी एवं शोषण प्रिय पिता सम्राट हिरण्यकश्यप को चुनौती देने वाले प्रहलाद किशोर वयकी थे। उन्होंने साहस किया और जनजीवन के प्रति उनकी संवेदना उन्होंने जागृत की। व्यक्तिगत संबंधों के स्थान पर उन्होंने ईश्वर के नरसिंह पराक्रम के साथ युग समस्या का अंत किया। कुटिल कुकर्मी कंस के विरोध में श्री कृष्ण खड़े हुए। कृष्ण बलराम किशोर, आज संयोग से मैं जिस दिन आपको ये रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ अपने लेक्चर की, आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो कृष्ण का जो आविर्भाव हुआ वो हमारे देश के लिए, हमारे देश में महापुरुष जन्म लेते रहे हैं, श्री राम भी आए और कृष्ण भी आए। श्री राम की बात मैं कह चुका, जहाँ राम जन्मभूमि में अभी हमने पूजन किया, कृष्ण आज के दिन आए थे। ग्रामीण भारत को एक अभिनव रूप दिया, सत्याग्रह को स्थापित किया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा कि कंस की रानियों के लिए दूध जो है वो गांव से जाएगा, नहीं जाएगा, ब्रज के गांवों का दूध गांवों में रहेगा। और उसके माध्यम से क्रांति हुई। उन्होंने, कृष्ण ने कंस का वध करके और पूरे के पूरे उस ब्रज क्षेत्र में एक क्रांति कर दी। बाद में ये माखन की क्रांति कई बार लोग गलत समझते हैं, माखन की क्रांति और कुछ नहीं थी, सत्याग्रह की क्रांति थी। बाद में उन्होंने पराक्रमी पांडवों के सहयोग से एक व्यापक राजनीतिक क्रांति रचाई, जिसमें जरासंध, दुर्योधन आदि अनेकों हठधर्मियों को पराभव हुआ। ज्ञान क्रांति के लिए स्वयं को संकल्पित करने का जो पर्व है, स्वरूप है, महर्षि व्यास ने भी किया। युग अनास्था और अज्ञान का था, ज्ञान यदि कहीं था तो कुछ गिने चुने लोगों के पास, पर महर्षि व्यास ने साहित्य का सृजन किया। सारे के सारे जितने भी थे, उनकी पत्नी वाटिका और जनचेतना, दोनों ने मिलकर
महर्षि अथर्वण की दद्यंग अथर्वण की प्रेरणा से अज्ञान के महासंकट से जूझने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किया, और बाद में उनके युवा पुत्र शुकदेव, शिष्य जैमिनी, सुत शौनक आदि इस अभियान से जुड़ते चले गए। हमारे देश में एक और क्रांति बहुत बड़ी हुई, युवा सिद्धार्थ और युवा वर्धमान। युवा वर्धमान बने जैन धर्म के प्रमुख और युवा सिद्धार्थ बने बौद्ध धर्म के प्रमुख। ये दोनों ने राजसुखों का मोह छोड़कर, अगर ये नहीं छोड़ते तो शायद तपश्चर्या का स्वरूप नहीं बन पाता, तब की राह नहीं बन पाते। इनके प्रयासों से भारत की धरती पर विचार क्रांति का अलग गूंजा। सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बने, वर्धमान महावीर बने। अपने कार्यों से उन्होंने एक नए कार्य इतिहास की रचना की। न जाने कितने युवाओं को प्रेरित किया, न जाने कितने राजाओं को नई दिशा दी उन्होंने। और उसी समय हमारे यहाँ आचार्य शंकर आगे आए, अपने युग का ऐतिहासिक और संकट, तांत्रिक व्यामोह का संकट था, आस्थाओं एवं धार्मिक भावनाओं से देश बटा हुआ था। आचार्य ने अपने अद्वैत के ज्ञान से उन सारे पंथों को एक कर दिया, एक सूत्र में पिरो दिया। देश की चारों दिशाएं उनके ज्ञान के प्रकाश स्तंभों से जगमग हो उठी। इसके बाद रामानुज आए, मध्व आए, निम्बार्क आए, वल्लभ आए आदि आचार्यों ने अपने यौवन को निछावर कर दिया, और युवाओं को योग बल से चरित्र बल की सीख देने वाले गोरखनाथ भी युवा ही थे। उन्होंने हठयोग का प्रचार करके शरीर में स्वास्थ्य का, और वो भी समग्र स्वास्थ्य का कैसे निर्माण किया जाना चाहिए और चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों है युवाओं के लिए, इसको अभूतपूर्व क्रांति रचाई। कबीर रैदास आदि युवा संत इसे पोषित करते रहे। सिख गुरुओं में प्रथम गुरु नानक, जिनकी हम 500वीं जयंती मना रहे हैं, या दशम गुरु हों गोविंद सिंह, उन्होंने युवावस्था में ही अपने तप एवं शौर्य से देश में नई चेतना का अलग जगा दिया। देश के स्वाधीन होने का इतिहास भी सच का साक्षी है। 1857 से 1947 तक का जो 90 साल का वर्ष है, 90 साल का जो पीरियड है, उसमें स्वतंत्रता संघर्ष में देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति युवाओं ने ही डाली, युवा शक्ति, जिसमें कि महानायकों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये सब युवा ही थे। रानी लक्ष्मीबाई मात्र 26 वर्ष की थी, और न जाने कितने मित्रों, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपने यौवन के प्रथम पग के साथ इस क्रांति पथ पर पांव रखे थे। जिनकी कहानी भूली नहीं जा सकती, वो थे शहीद आजम भगत सिंह और परमवीर चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस तो जब फांसी के फंदे पर झूले तब उनके उद्गार थे, हंसी हंसी चाड़ी बे फांसी, देखी ले जगतवासी, एक बार विदाई दे माँ, आमी घूरे आसी, मैं बार बार तुम्हारे कोख में जन्म लूँ, ऐसी इच्छा केवल एक युवा की हो सकती है। युवा शक्ति के रूप में गांधी हमारे सबसे बड़े महापुरुष, जिन्होंने हमारे देश को एक राष्ट्रपिता दिया स्वयं के रूप में, और उन्होंने इस देश को सही अर्थों में एक सही अर्थ दे करके और एक नई उमंग दी, नई चेतना दी, और उसके साथ साथ ही हमारा देश आज़ाद हुआ। श्री अरविंद प्रतिभाशाली थे और अपने आदर्शों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने न जाने कितना कुछ करके दिखाया। महान विभूतियां हैं सुभाष चंद्र बोस, महान विभूतियां हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के श्री रामकृष्ण आश्रम के श्री आत्मानंद जी स्वामी, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, उन्होंने स्वामी जी की इस वाक्य को जिया जीवन में, और रामकृष्ण से जुड़े होने के बावजूद भी उनकी भावनाएं पूरी तरह से हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी से भी जुड़ी थी। उनसे मिलने के लिए 2-3 बार आए थे मथुरा। युवाओं का आदर्श क्या हो, युवा को हम क्या माने कि युवा को क्या करना चाहिए, युवा स्वयं साहस और संवेदना से युक्त हो, ऐसा उसका आदर्श हो। अब ये जो जीवन लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और जिसके मन में गीता का जो वाक्य है उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, ये जिसके जीवन में हो, 4th अध्याय का 34वां श्लोक, जो उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, स्वामी विवेकानंद ने कहा बी एंड मेक, बनो और बनाओ, बी बॉर्न अगेन, मैंने एक सूत्र दिया है, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ, भूल जाओ कि तुम बड़े हो गए हो,
अपने आप को नया बनाओ। फिर से मैंने अपने पूरे यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में करीब पिछले 20 सालों में एक ही संदेश दिया है कि बी एंड मेक, बनो बनाओ, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। संस्कृति बनाती है संस्कारवान, शिक्षा नीति में विद्या का हो समन्वय, विचार क्रांति में भागीदारी हो। युवा भारत, 60 करोड़ से अधिक युवा शक्ति है देश में, संपूर्ण विश्व में भारतीय युवाओं का दबदबा है और राष्ट्र की कुंडलिनी शक्ति है युवा शक्ति। देखिए, हम सब के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है जो हमारे ऊपर से जाती है और यहाँ पीछे हमारा थैलेमस होता है, यहाँ से नीचे उतरती है तो स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, नीचे तक जाती है और नीचे तक जाके कॉर्डा इक्वाना के माध्यम से वो पूरी की पूरी फैल जाती है। मैं मेडिकल का हूँ इसलिए मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे। और ये जो नीचे से उभर उठती है शक्ति और ऊपर आती है तो ऊपर आकर मस्तिष्क को पूरा जागृत कर देती है। अपने राष्ट्र की कुंडलिनी शक्ति को हमें जगाना पड़ेगा। युवा राष्ट्र की कुंडलिनी शक्ति की मेरुदंड है, इनको अगर अपने आप को पहचानना है तो अपने को पहचानें और काम करें। आज हम देखते हैं कि युवाओं के पास मार्गदर्शन नहीं है, युवाओं के पास चिंतन नहीं है, युवाओं के पास वो बात नहीं है जिसके लिए कि उनको जाना जाता था पहले कभी। 60 करोड़ से अधिक युवा शक्ति है देश में और हमारे देश की आबादी है 135 करोड़। 135 करोड़ में अगर 60% युवा हैं तो हम लोग क्या नहीं करके दिखा सकते। जापान पूरा बूढ़ा हो चुका है, इसके बावजूद भी वो लोग काम करते हैं। देखिए, निरंतर जो भी उनके युवा हैं थोड़े से काम करते रहते हैं और उसकी वजह से वो नए नए आविष्कार करते हैं। हमारे देश के अलावा और किसी देश में युवा शक्ति इतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। संपूर्ण विश्व में भारतीय युवाओं को दबदबा है। अगर आप देखें तो 7 से लेकर 8 करोड़ व्यक्ति, युवा विश्व भर में फैले हुए हैं आईटी हब के रूप में, आईटी के माध्यम से, और इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में छाई हुई है। राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र को अपने इन युवा शक्ति के माध्यम से पुनः फैला सकते हैं, जगा सकते हैं। युवा जागरण के लिए हम क्या चाहेंगे? युवा जागरण बनाम राष्ट्र जागरण, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र। मैंने दो बातें कही आपसे, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र। अगर युवा स्वस्थ होगा तो राष्ट्र सबल होगा। स्वावलंबी युवा, स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, कहाँ नौकरी के लिए चक्कर काटता है, वाइट कॉलर जॉब, ब्लैक ये वाली जॉब जो है आपको कॉलर वाली अब नहीं मिलेगी। लोग बेरोजगारी को गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु वास्तव में बेरोजगारी हमारी हम दूर कर सकते हैं स्वावलंबन के माध्यम से। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि आप स्वावलंबी हो जाइए। स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र। सेवाभावी होंगे तो सुखी राष्ट्र होगा। सेवा का अगर हमारे अंदर संकल्प आ जाए तो हम सुखी राष्ट्र बना सकते हैं। शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, ये 4 सूत्र हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र, स्वावलंबी युवा संपन्न राष्ट्र, सेवाभावी युवा सुखी राष्ट्र और शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र। समग्र क्रांति हेतु युवा शक्ति का भाव भरा आह्वान हम करते हैं और हम कहते हैं भारत माता की पुकार है, इसको अनसुनी ना करें। हम लोग जिस अवस्था में हैं इन दिनों, 2020 के आसपास हम लोग चल रहे हैं, 2020 से लेकर 2040 तक का समय, 20 साल का बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस अवधि में एक नया राष्ट्र बनेगा, नया राष्ट्र का प्रकल्प खड़ा हो रहा है। युग दृष्टा युग ऋषि हमारे गुरुदेव की, इनकी अंतर्वेदना समझें, भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, बहुत बढ़िया। अगर इसको सही दिशा इस समय मिल जाए, हमारा युवा समाज संभाल ले इसको, तो हमें अपने दायित्व निभाना है, चरित्रवान दृढ़ प्रतिज्ञ राष्ट्रभक्त युवाओं को आगे लाना है। आप खोजिए और खोज के उनको ढूंढिए और उसके बाद खोज करके उनको सशक्त बनाइए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवित वही है जो औरों के हित जीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ वाक्य है। राष्ट्र निर्माण हेतु गायत्री परिवार के रचनात्मक अभियान के बारे में बता देता हूँ मैं।
ये आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए इसमें। आपको स्वागत है युवाओं का। निर्मल गंगा जन अभियान हमने चालू किया, देश के समस्त जल स्रोतों का शुद्धिकरण। ये हम लोगों ने प्रयास किया तो सारे युवा जुड़ गए इसमें, और हमने 23 नदियों पे कार्य किया है, श्रीराम सरोवरों का निर्माण किया है, वर्षा जल संरक्षण का काम किया है। और इसके लिए हमने सबसे बड़ा काम जो किया है वो दूसरा है वृक्ष गंगा अभियान। जगह जगह वृक्षारोपण, जगह जगह वृक्षारोपण, जगह जगह वृक्षारोपण, और इससे कई पहाड़ियाँ हमने हरी भरी कर दी हैं। आप मध्य प्रदेश के हैं सभी, और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हरियाली बहुत है, पर कब हरियाली होने के बावजूद पानी क्यों नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने बहुत बड़ा बेल्ट चुना है जिसमें कि हम वृक्षारोपण करते हैं, पहाड़ियों को हरा भरा करते हैं। हमारा एक बालक है मनोज तिवारी, वो लग जाता है जिस काम में, उसको करते ही चला जाता है। उसने कई पहाड़ियाँ हरी भरी कर दी। इसमें श्री राम स्मृति उपवनों का निर्माण हम लोगों ने किया है जगह जगह। श्री राम स्मृति उपवन हमने शांति कुंज में बनाया है यहाँ पर, और इस स्मृति उपवन में एक्यूप्रेशर पाथ भी होता है, जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, जड़ी बूटी वाटिका भी होती है। ये अगर आप जगह जगह बनाएंगे, आपके उज्जैन में आप जगह जगह बना सकते हैं। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वन भी हम स्थापित कर रहे हैं इस साल। चाहे कोविड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जगह जगह स्मृति उपवन बना रहे हैं, और हम जगह जगह स्मृति वन बना रहे हैं, स्वर्ण जयंती वन, क्योंकि शांति कुंज को बने को 50 साल हो रहे हैं अगले साल। हम रुकेंगे नहीं, हम अपना काम करते चले जाएंगे, हम वन बनाते चले जाएंगे। 10,000 बाल संस्कार शालाओं का संचालन करना, देश भर में 400 जिलों में गर्भ संस्कार कार्यक्रम। हम लोग बताते हैं कि अपने वेबिनार और इन सब के माध्यम से आज इन परिस्थितियों में कि किस तरह से गर्भ संस्कार शाला के माध्यम से गर्भ संस्कार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। जितने गर्भ संस्कार हुए हैं वहाँ अच्छे बालक, प्रवीण, कुशल और संस्कारवान बालक पैदा हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, तो आप भी गर्भ संस्कार के प्रोग्रामों में जुटिए जुड़िए, और हमारे मिशन के संपर्क से में आइए। किशोर कन्या कौशल प्रशिक्षणों का आयोजन हम लोगों ने, किशोर कौशल प्रशिक्षण और कन्या कौशल प्रशिक्षण। फिर एक हमने आंदोलन आरंभ किया, नशा भारत छोड़ो। हमने जैसे अंग्रेज़ों का सुना है ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम कहते हैं नशा भारत छोड़ो। कहाँ से आ गए तुम? हमारे देश में नशा कहाँ से आ गया? इस नशे को भारत से भगाना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों ने माहौल बनाया है, और इसके लिए 4 वीडियो रथ हमारे चलते हैं, पूरे देश में जगह जगह जाते हैं। अभी कोविड की वजह से बड़ी दिक्कत है, परंतु फिर भी देश भर के स्कूल कॉलेजों में नशा मुक्ति अभियान हमने चलाया, और हजारों लाखों बच्चों ने नशा छोड़ा है। फिर एक और है हमारी ग्राम तीर्थ योजना, 250 से अधिक गांवों में आदर्श ग्राम कार्यक्रम चलाया हमने। एक है युवा जागृति अभियान, युवाओं का व्यक्तित्व निर्माण कर उन्हें राष्ट्र के नव निर्माण में नियोजित करना। नए युवा जोड़ो, नए युवाओं को जोड़ो, नए युवाओं के अंदर इस स्फूर्ति का संचार करके, और जो मैं संदेश आपको दे रहा हूँ ये संदेश दे के उनको जोड़ना। आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी जागरण के विविध कार्यक्रमों का संचालन, ये भी आप करिए। इतनी सब कार्यक्रमों के लिए आपको बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा आपको मिलेगी तो वो उसके माध्यम से आप निश्चित रूप से युवाओं के माध्यम से कर सकते हैं इसको। और जहाँ तक सवाल है बुजुर्गों का, बुजुर्गों का मार्गदर्शन लीजिए, वयोवृद्धों का मार्गदर्शन लीजिए, पर युवाओं को आगे करिए, युवाओं को आगे करिए, क्योंकि उनके अंदर मांसपेशियों में बल है, रक्त है, और उनके अंदर उत्साह है। उनको आगे करिए, और उनके साथ माध्यम से इसमें राष्ट्र निर्माण में उनको लगाइए। मैं नहीं कोई राजनीति की बात करता, मैं नहीं कहता कि राजनीति में उनको डालिए और राजनीति में लाइए, ये खुद अपने आप में राष्ट्र निर्माण के लिए इतना बड़ा काम हो जाएगा कि इसके लिए उनके उनके साथ सभी लोग आ जाएंगे, और सब जुड़ कर के एक साथ काम करेंगे। हमें इस देश की
गरिमा को पहचानना है, इस देश के महत्व को पहचानना है, ये देश जो है ये कितनी बड़ी फाउंडेशन लिए हुए, मजबूत फाउंडेशन। हमारे देश में इतने सारे उत्पात हुए, इतने सारी परेशानियाँ हुई, इतने सारी दिक्कतें हुई, पर हम कभी परेशान नहीं हुए। यवनों का अटैक हमारे यहाँ हुआ, अंग्रेज आए हमारे यहाँ, पर हम हिले नहीं। हमने देखा हमारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, पर हम परेशान नहीं हुए। और अब हम नए सिरे से फिर उन मंदिरों को बना रहे हैं, इन मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया। मित्रों, हमारा देश बहुत शक्ति का देश, शक्तिशाली देश है, ऊर्जा का देश है। यहाँ ऊर्जा भरी पड़ी है, यदि आप ऊर्जा को सही ढंग से नियोजित कर दें तो देखते देखते हम एक नया भारत खड़ा कर सकते हैं। नए भारत की जो वेला है बनने की, वो आ गई है। और इसको इस 2020 से लेके 2022 तक, दो तीन सालों तक आप लगा दीजिए ऊर्जा में, तो आप देखिए देखते देखते बहुत बहुत चमत्कारी परिवर्तन होगा और भारतवर्ष पूरे विश्व का एक तरह से जगतगुरु बनेगा। अगर जगतगुरु बनने के किसी राष्ट्र में सामर्थ्य है तो भारतवर्ष में। मुझे पूरी विश्व आशा है कि उज्जैन का युवा, उज्जैन में इसको सुनने वाला युवा, और इस वेबिनार के माध्यम से हर जगह जहाँ जहाँ वो है सुनने वाला युवा, इस शक्ति को अपने अंदर से निकालेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये कि युवा होने के लिए एज वाइज युवा होने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर जो है युवा का उत्साह डालना है बस। वो 40 साल का भी हो सकता है, 45 साल का भी हो सकता है, 50 साल का हो सकता है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, जब आदमी बूढ़ी मानसिकता का होता है, तब काम नहीं कर पाता है। आप बूढ़ी मानसिकता के मत बनिए, आप जवान मानसिकता के बनिए। हमारे गुरुदेव जब बाहर क्षेत्रों में जाते थे तो एक गीत गाते थे, उनके साथ चलने वाले एक गायक, बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई। जवानी आना जरूरी थी पर जवानी आई नहीं, और बुढ़ापा कैसे आ गया, अरे गतिरोध क्यों आया, रवानी क्यों नहीं आई। बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई। मित्रों, आपको सारे युवाओं को कहना है, सारे प्रौढ़ों को कहना है कि बुढ़ापा कैसे आ गया, जल्दी आ गया। नहीं, आप अपने आप को यंग बनाइए और राष्ट्र निर्माण में लग जाइए। और उसके लिए एक विधिवत कार्यक्रम है जो मैंने आज दिया है, उसको आप सुनिए। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब सबको आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।